नमस्ते मैम मैम मेरा प्रश्न डेयरी उद्योग से संबंधित है जब डेयरी उद्योग में शामिल हम हिंसा की बात करते हैं तो हमारी बात को स्वीकारा जाता है समझा जाता है हम बताते हैं उन्हें कि कैसे ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दे करके बेहद पीड़ा में गाय होती है और हम लोग दूध दू लेते हैं इन सब विषयों पर जब हम लोग उनसे बात करते हैं तो बात स्वीकारी जाती है बात फैक्चुअल है तथ्यात्मक है लेकिन फिर एक प्रश्न आता है सामने से कि अगर दूध हिंसा मुक्त तरीके से निकाला जाए तो जब ये बात सुनते हैं तो फिर भीतर कई प्रश्न उठते हैं कि क्या ऐसा संभव भी है कि हम दूध निकालें किसी दूसरे का हिंसा मुक्त तरीके से फिर और आगे प्रश्न उठते हैं कि क्या दूसरी माँ का दूध पीना उचित है क्या ये बात ठीक है फिर आगे जब हम इस बात को ले जाते हैं तो इस बात से संबंधित और प्रश्न आते हैं कि वो लोग कहते हैं कि हम पहले बछड़े को दूध पीने दे, दे देते हैं और फिर जो दूध बचता है वो हम निकालते हैं और अगर वो दूध हमने छोड़ दिया तो वो गाय के लिए हानिकारक है तो इसमें फिर मुझे प्रश्न उत्तर कि इतना गाय दूध पैदा करेगी ही क्यों जो उसके बछड़े की आवश्यकता से ज्यादा का हो जाए तो इन सब विषयों पे थोड़ा प्रकाश आप यदि डाल सके तो धन्यवाद बेटा बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने मेरा ख्याल है कि आचार्य जी ने इसमें बहुत कुछ कवर किया मैंने खुद सुना उनको मैं आज इसमें जो इसका एथिकल एस्पेक्ट है उसको नहीं ज्यादा छेड़ूंगी मैं आपको फैक्चुअली बताती हूँ क्या होता है बहुत सारे लोग कहते हैं कि गाय तो ज्यादा दूध देती है अगर वो बचरा सारा दूध पी लेगा तो मर जाएगा इसलिए हम दूध निकालते हैं क्योंकि हम तो गाय पे तरस खाते हैं या भैंस पे तरस खाते हैं उसको जिंदा रखने के लिए हमें उसका दूध निकालना पड़ता है ये सच भी है और गलत भी होता यह है कि प्रकृति कभी भी किसी पशु को उतना ही दूध देगी जितना उसके ऑफस्प्रिंग को क्योंकि मैमल हैं हम सब स्तनपायी जीव जो होते हैं वो सब मैमल्स होते हैं और वो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं क्योंकि हम अंडे में से बच्चे नहीं निकालते हैं हम बच्चे पैदा करते हैं और उसके बाद वो स्तनपायी होता है तो ऐसा कोई भी पशु नहीं है जिसके जिसको प्रकृति इतना दूध दे दे कि वो किसी और प्रजाति को निकाल के पीना पड़े लेकिन इंसानों ने क्या किया है कुछ जानवरों की प्रजातियों के साथ बहुत छेड़छाड़ करी है जिसको कहते हैं ट्रेड सिलेक्शन ट्रेड सिलेक्शन का मतलब है कि हम ज्यादा दूध देने वाले पशुओं को रखें और उनकी ब्रीडिंग करें और कम दूध देने वालों को छाट छाट के हटाते चले जाएं तो क्या होगा कि ज्यादा 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 और ज्यादा दूध देने वाले होते चले जाएंगे जो प्रकृति में गाय तीन लीटर चार लीटर दूध देगी अः बिल्कुल अगर वो ट्रेड सिलेक्टेड नहीं है देसी है देसी भी ट्रेड सिलेक्टेड हो सकती है बट अगर वो ट्रेड सिलेक्टेड नहीं है तो तीन लीटर चार लीटर दूध देगी मगर हम उसको जैसे गिर गायों को तमाम तरह की देसी गायों को भी हमने कम दूध देने वालों को अलग कर दिया है और ब्रीड कर दिया है सिर्फ ज्यादा दूध देने वालों को तो उसका शरीर और ज्यादा न्यूट्रिएंट्स दूध में परिवर्तित करते जाएगा और वो दूध की मात्रा बढ़ते जाएगी और फीड इन इंटेक रेशो जो है उसका जो फीड कन्वर्जन रेशो है जो वो खाएगी वो सब दूध में परिवर्तित हो जाएगा ये बेसिकली आउटकम होता है डिजायर्ड आउटकम होता है ये इंडस्ट्री की मिल्क इंडस्ट्री की बहुत ही सोची समझी और सेंचुरी से चली आ रही प्रैक्टिस है यहाँ तक कि जो जर्जी जैसी गायें हैं ये गाय मतलब नॉर्मली तो गाय को तीस पैंतीस साल तक का जीवन गुजार कर बूढ़े होकर मरना चाहिए लेकिन इनको क्या होता है कि ये पाँच छः साल में ही दो चार बार पांच बार बच्चे पैदा करने के बाद इतना दूध इनके शरीर में से निकल आता है बिकॉज ऑफ दिस हाई ट्रेड सिलेक्शन इतना दूध निकल आता है कि वो छह सात साल से ज्यादा उम्र पा ही नहीं पाती और वो या तो यूट्रस के प्रोलैप्स से या उसकी बॉडी में कैल्शियम डिप्लीशन इतना हो जाता है कि वो मर ही जाती है कोई भी गाय दूध की फैक्ट्री नहीं होती वो uh, सिर्फ गाय या भैंस वेन आई से गाय मीन ऑल कैटल वो फैक्ट्री नहीं होती वो अगर ज्यादा दूध दे रही है तो वो एक अप्राकृतिक लक्षण है जो इंसानों ने ही उसको जबरदस्ती किया है इसी तरह मुर्गी जो प्राकृतिक मुर्गी है वो है रेड जंगल फाउल जो कलरफुल सी होती है और जंगलों में मिलती है कभी कभी साल के करीब चालीस अंडे देती है लेकिन हमने ट्रेड सिलेक्शन करके आज एक सफेद मुर्गी ऐसी हैन बना दी है हाई यील्डिंग वैरायटी जो साल में 360 अंडे देती है इट्स लाइक सेइंग कि uh, मैं क्रूड एग्जांपल का देकर समझाती हूँ जैसे कोई भी बॉडीली फंक्शन है हमारा जैसे महिलाओं को मासिक स्त्राव होता है चार दिन के लिए होता है पांच दिन के लिए होता है कुछ लोगों को छह सात दिन के लिए होता है अगर हम ब्रीड करना शुरू कर दें ज्यादा मासिक स्त्राव वाले वालों को ज्यादा दिन तक होने वाले और करते जाएं करते जाएं उतना ट्रेड सेलेक्ट कर दे कि फिर हमारे पास ऐसी महिलाएं रह जाएं जिनको वहां से थोड़ा बंद ही नहीं होता चलता ही रहता है वही हाल है मुर्गियों का बेसिकली क्या है अंडा ओव्यूलेशन ही तो है ओव्यूलेशन में और स्त्राव में कोई अंतर नहीं है बेसिकली एन एग इज अज पीरियड इट्स अ सेम थिंग तो जो लोग खाते हैं अंडा वो मुर्गी का पीरियड खा रहे हैं बट हम उसको उस नजर से देखते ही नहीं है अब हम दूध देखें हमारी माताएं जिन्होंने हमें पैदा किया अगर उनको भर भर के जो है वो दस दस लीटर दूध देने लग जाए और पड़ोसी आके उसमें से लेकर कहें कि क्या है तकलीफ थोड़ी और ये हम अपनी चाय बना लेंगे ये उतनी एबसर्ड बात है कि कहना कि गाय को ज्यादा दूध आ रहा है क्योंकि उससे तो हम हम भगवान ने हमारे चाय के लिए उसको दूध दिया है इ, उतनी एब्सर्ड बात है दिस इज बेसिकली ट्रेड सिलेक्शन जो हमने करके इनको इतना अप्राकृतिक बना दिया है कि वो अपने खुद के शरीर को कष्ट देती है इसका एक ही उपाय है अगर गाय को ज़्यादा दूध आता है और उसका दूध एक्सेस है तो उसका एक ही उपाय है कि उसको बच्चा ना पैदा कराया जाए जिससे उसको उसकी शरीर में कष्ट ना पहुंचे उसका दूध ना निकले यही एक अहिंसात्मक तरीका है अहिंसात्मक तरीके से दूध नहीं पाया जा सकता दूध में हिंसा निमित्त है दूसरा कि जब हम कोई कहता है कि मैं तो बिल्कुल अपने घर की तरह गाय को पालती हूं और उसको मैं दूध पिला सकती पी सकती उसका तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका तो अगले साल दूध देने के लिए तो उसको एक और बच्चा पैदा करना पड़ेगा फिर क्या उस बच्चे को भी रखेंगे क्या हर साल एक बच्चे को रखेंगे क्या उनके बच्चों के और बच्चे कराएंगे दूध देने के लिए और अगर हमने कहीं से अहिंसात्मक दूध पा भी लिया है तो क्या यही प्रिंसिपल हम अप्लाई करेंगे बाकी की चीजों में लाइफ में कि चलो कुछ बुरा थोड़ी ना हो रहा है तो फिर थोड़ा मांस भी खा लेते हैं है ना क्योंकि अब तो ये इसके फला की प्लेट में आ ही गया उसने उसके पेट में जाएगा चलो मेरे पेट में जब मैं हिंसा थोड़ी ना कर रही हूँ कोई नया जानवर थोड़ी ना मरा वही तो है या चलो किसी का चोरी का कुछ माल पड़ा हुआ है उसमें से हम ले लेते हैं हमने थोड़ी ना चोरी करी है किसी और का है तो क्या फर्क पड़ता है प्रिंसिपल जो है है वो हिल जाता है जब तो वो यूनिफॉर्मली पूरी प्रवृति को स्वच्छ रखने के लिए किसी भी प्रकार की दूसरे की वस्तु के इस्तेमाल से बचें जानवर का दूध उसके बच्चे का है अगर उसके पास ज्यादा आता है तो वो गलती है हमारी प्रजाति की जिन्होंने उसका ट्रेड सिलेक्शन किया हुआ है और उसको इतना दुख पहुंचाया हर हर बार उसके साल उसकी गुप्तांग में हाथ घुसाकर उसका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करके और फिर हम कहते हैं कि वो माता है और ये है वो है इससे तो ना ही माता हो तो अच्छा गाय को गाय ही रहने दें किसी को माता नहीं बनाना हमारी माता नहीं है वो अपने ही बछड़े की माता रहने दें उसको है ना क्योंकि हमने अपनी माता बना के उसको कुछ उसका ज्यादा ही शोषण कर दिया है ऑब्जेक्टिफिकेशन जैसा कर दिया है अगर हमें सच में उससे उसके प्रति हिंसा होने से रोकना है तो हमें उसके बच्चे पैदा करने से रोकना है और उसके आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की घृणात्मक जो होती है प्रोसीजर उससे रोकना है ऐसा भी नहीं है कि बहुत मेडिकल प्रोसीजर है कि वेट्स आके कर रहे हैं बहुत ढंग से कर रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आज के डेट में स्टेट गवर्नमेंट्स ने दसवीं पास लोगों को हफ्ते हफ्ते भर के प्रशिक्षण के बाद छोड़ रखा है खुला कि वो गायों के भैंसों के हाथ डाल डाल के उनका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करें ये इतनी गंदी प्रक्रिया है कि अगर आप इसको विटनेस करेंगे तो आप किसी भी दशा में उस प्राणी के शरीर का एक भाग कभी किसी भी एक मॉलिक्यूल का भी इस्तेमाल करने से बचेंगे क्योंकि इससे बड़ा पाप कुछ हो ही नहीं सकता कि हम किसी मादा पशु की इस कदर बेकदरी करें कि पहले हम उसके अंदर हाथ घुसाएं उसके बाद हम उसका बच्चा पैदा कराएं जब उसके बच्चे को हटा दें उसके पास से गायों के अंदर इतना भयानक मातृत्व भाव होता है मैंने बहुत कम उम्र में देखा था लखनऊ में ही जब मैं थी तब एक वहां पे कांजी हाउस था जहाँ पे जिसके गेट पे एक गाय ऐसे बौखला बौखला के भाग रही थी इधर से उधर इधर से उधर और रंभा रही थी बहुत बुरी जोर से चिल्ला रही थी तो मैं वहां पे पहुंची और मैंने इधर उधर नहीं देखा था मैंने सीधे गेट पर पूछा कि क्या कर तो वहां का चौकीदार हंस के बोल रहा है पागल हो गई है पागल हो गई है ऐसे क्यों पागल हो गई है ऐसा क्यों कर रही है खोलो तो सही है नहीं 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 पागल हो गई है उसका बच्चा वहां पे पड़ा हुआ है ना इसलिए पागल हो गई है उसका बच्चा नवजात जो उसी समय पैदा हुआ था उसको उठा के उन्होंने सड़क पे फेंक दिया था तपती धूप में बिल्कुल गर्म सड़क पर उसका बच्चा निर्जीव सा पड़ा हुआ था और वो गेट के उस पार थी और वो अपने बच्चे के लिए इतना तड़प रही थी मैंने किसी इंसान की मां को ऐसे तड़पते नहीं देखा जो मातृत्व उस गाय के अंदर था और सब जानवरों के अंदर होता है और इतनी इतनी आ, असहायता थी उसके अंदर फिर किसी तरह मैंने गेट खुलवाया वो भी शायद एक मेरी गलती ही थी मुझे पहले उसको कंट्रोल करना चाहिए था और वो इतनी बौखलाहट में उसके ऊपर भागी कि उसका पैर ही पड़ गया और वो बच्चा मर गया मरा ही हुआ था एक तरह से तो कोई बचने का तो उसका वो था नहीं मगर इसीलिए उसकी लाश उन्होंने ऐसे सड़क पर फेंक दी थी तो हम इतना बुरा करते हैं इनके बच्चे पैदा कराते हैं कभी उनके दिल्ली में तो ये तक देखा है हमने कि भैंसों के बच्चों को पहले तो एक दिन का ही बाहर बांध देंगे उसको उसके शरीर में जो उसके माँ के गर्भ से उसको कुछ पोषण मिला वही पोषण उसके पास रहा और बाकी का ऊपर मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता जब वो मर जाएगा तो उसकी बॉडी चली जाएगी काफ लेदर के लिए बिकने के लिए क्योंकि वो बड़ा इम्पोर्टेंट uh, व्यवसाय है काफ लेदर का बहुत सॉफ्ट लेदर होता है जो नवजात बच्चे का होता है और महंगे uh, दामों में बिकता है बड़े हाई एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं उसके वॉलेट्स और ये वो कुछ महिलाओं की बहुत सुंदर चप्पलें बनती हैं उससे वगैरह वगैरह जो लोग भी पहनना चाहते हैं नवजात बच्चों की खाल वो काफ लेदर खरीदते हैं कुछ को उससे भी अधिक softness चाहिए तो वो गायों के अबॉर्शन करा के उस फीटस का लेदर निकाल के पहनते हैं और अबॉर्शन कैसे कराते हैं पूरी गर्भ की गाय या भैंस हो तो लोहे के सरिये से उसके पेट पे मारा जाता है इतना मारा जाता है कि उसका बच्चा अबॉर्ट हो जाए सातवें आठवें महीने पे अबॉर्ट हो जाए और उसके बाद उस बच्चे को का जो खाल है उसको प्रोसेस करके बेहतरीन काफलेदर बनाया जाए तो इस तरह तो हम बच्चा पैदा कराते हैं उसके बाद हम उस बच्चे को मार देते हैं मरे हुए बच्चे के खोपड़े में हम भूसा भर के एक डंडे पे खड़ा कर देते हैं माँ के आगे उस प्रोसेस को यहाँ पे बोला जाता है खाल बच्चा और ऐसे कहते हैं कि वो सोच रही है कि उसका बच्चा है और वो दूध निकाल देगी अपना कौन सा पशु इतना बेवकूफ होता है पशु तो हमसे बेहतर समझते हैं उसको अपने बच्चे में और एक डंडे पे भूसा भरे हुए अपने बच्चे के सर में अंतर नहीं समझ में आएगा ये यहां की इंडस्ट्री की एक प्रथा है उसके बाद वो जब भैंस बच्चा देने से, देने से से सॉरी दूध मना करे और अपने दूध को रोक ले और क्योंकि एक क्षमता होती है पशुओं में कि वो दूध को रोक सकते हैं तो तो उसके बाद टाइम तो, तो है नहीं कोऑपरेटिव की गाड़ी खड़ी हुई है या ग्राहक खड़े हुए हैं दूध तो निकालना है तुरंत तो खच्च से एक ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा देंगे अब ऑक्सीटोसिन क्या है ऑक्सीटोसिन किसी भी महिला या मादा पशु के शरीर में इंसानों के भी शरीर में स्वतः पैदा होता है जब प्रसव हो रहा होता है गर्भाशय में सुख सिकुड़न पैदा करता है और बच्चे को बाहर धकेलता है ये एक ऐसा हार्मोन है जो उस समय बहुत काम आता है और इसीलिए ये थेरेप्यूटिक यूज के लिए भी काम आता है जब बच्चा फंस जाता है महिलाओं के या किसी भी मादा पशु के वोवाइंस में भी अगर बच्चा अटक गया हो तो ऑक्सीटोसिन लगाया जाता है जिससे कि सिकुड़न हो गर्भाशय में कॉन्ट्रेक्शन हो लेबर पेन हो और वो बच्चा बाहर निकल आए लेकिन अगर हम रोजाना में उसको ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाएं, दूध छोड़ने के लिए जिससे कि वो जो दूध उसने जबरदस्ती अपने बच्चे के लिए रोका हुआ है वो वो छोड़ दे इतना पेन उसको दे जो प्रसव पीड़ा के समान हो इतना पेन उसको दे जो उसके गर्भाशय में सिकुड़न पैदा करे और वो डर के मारे कभी कभी तो गाय भैंसे ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन जब वो भैंस वाला लेके आ रहा होता है उसको देखते ही उनका दूध छूट जाता है क्योंकि वो इतना कांप जाती है उनकी रूह प्रसव किसी महिला को एक बार होता है दो बार होता है अपनी जिंदगी में तीन बार होता है वो पूरी जिंदगी अपने बच्चों को सुनाती है कि मैंने तुम्हारे पैदा करने के लिए कितना कष्ट झेला था इन गायों भैंसों को हम दिन में दो बार प्रसव पीड़ा देते हैं और वही ऑक्सीटोसिन जो उस भैंस को लगाए क्योंकि वो उसी समय दिया जा सकता है जिस समय दूध निकाला जाए और वो इमीडिएटली दूध में आ जाता है और उस ऑक्सीटोसिन के रेजिड्यू को हम कंज्यूम करते हैं जब हम कंज्यूम करते हैं तो वो एक्सेस ऑक्सीटोसिन महिलाओं के और पुरुषों के शरीर में जाता है बच्चों के शरीर में जाता है आज की रेट में एक केस चल रहा है हाई कोर्ट में इनफैक्ट 12 तारीख को फिर से उसका हियरिंग है जिसमें ये रिकॉर्ड हुआ है कि रिसर्च में एस्टैब्लिशड है दैट ऑक्सीटोसिन जो अह ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं इसकी वजह से मर्दों में आदमियों में नपुंसकता आ सकती है महिलाओं में फेशियल हेयर ग्रोथ तक तमाम तरह के और हार्मोनल इम्बैलेंसेस आ सकते हैं आदमियों में स्तन पैदा हो सकते हैं और की बढ़त हो सकती है वगैरह वगैरह बच्चों में आ, मासिक स्राव जल्दी हो, हो सकता है जैसे बारह तेरह साल की उम्र में जो होना चाहिए वो छे सात साल की उम्र से ही शुरू हो जाए आ, तमाम तरह की ऐसी अप्राकृतिक चीजें हो सकती हैं शरीर में अगर हम इस प्रकार के हॉर्मोनल इंड्यूस्ड मिल्क का सेवन करते हैं तो लेकिन आ, ये एक नॉर्म बन चुका है लोग इसको टीके का नाम देते हैं कहते हैं टीका लगा रहे हैं टीका तो वैक्सीन होती है वैक्सीन से तो ऑक्सीटोसिन का कोई लेना देना ही नहीं है ये तो हॉर्मोन है और हॉर्मोन भी ऐसा है जो स्वतः पैदा होता है शरीर में लेकिन जब शरीर को उसकी जरूरत होती है तो मादाओं के शरीर में स्वतः पैदा होता है जब शरीर को उसकी जरूरत होती है उसको आर्टिफिशियली भर देना आपके शरीर में इसीलिए पुराने जमाने में महिलाओं के आराम से बच्चे पैदा हो जाया करते थे नॉर्मल डिलीवरीज होती थी आजकल तो कोई नॉर्मल डिलीवरी कर ही नहीं पा रहा क्योंकि वो उनका शरीर उनके यूट्रसिस आदि हो चुके हैं एक हायर डोज ऑफ ऑक्सीटोसन के इसीलिए वो कॉन्ट्रेक्शन आई मीन देर इज वेरी लिटल रिसर्च इट दिक्कत यह है कि एक पैरेलल इकोनॉमी चल चुकी है सबको इसकी आदत पड़ चुकी है गवर्नमेंट भी इसमें कोई रिसर्च करना ही नहीं चाहती है, इस हमारे देश में के पर कम हुई है पाकिस्तान में ज्यादा हुई है अगर आज की डेट में हम देखें कि साइंटिफिक स्टडीज कहां कहा हुई है पांच प्य रिव्यूड पेपर्स हैं रिसर्च हैं पाकिस्तान के इंडिया का एक भी नहीं है क्योंकि एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब इंडस्ट्री सरकार पे इतनी हावी हो जाए कि वो अपनी गलत बातें छुपाने के लिए सरकार को भी निहत्ता कर दे और सरकार एंटी इंडस्ट्री कोई रिसर्च भी ना करना चाहे वन वे और अनदर तो हमें ही समझना पड़ेगा और ये ये बहुत ही टिपिकली इंडियन सबकॉन्टिनेंट की प्रॉब्लम है ऑक्सीटोसिन की तो इसलिए यहाँ पे अगर हम इस प्रॉब्लम को समझकर इसके बारे में अवेयरनेस नहीं फैलाते हैं आ, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है सेक्शन 12 है प्रिवेंशन ऑफ ट्रूल्ट्री टू एनिमल्स एक्ट का उसके अंतर्गत कॉग्निजेबल ऑफेंस है जिन पशुओं पे ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल किया जा रहा है उनको सीज करना पुलिस के लिए बाध्यकारी है ये भी मैंडेटरी है कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया जाए क्योंकि ऑक्सीटोसिन जो ड्रग है ऑफ कोर्स यूज यूज के लिए हो सकता है वो लाइसेंस्ड फार्मेसीज बना सकती हैं लाइसेंड डिस्ट्रीब्यूटर्स उसको बेच सकते हैं मैन्युफैक्चरर्स मैन्युफैक्चर मैन्युफैक्चर कर सकते हैं फार्मेसी उसको बेच सकती है और प्रिस्क्रिप्शन uh, के बाद ही कोई वेटनेरियन उसका इस्तेमाल पशुओं पे कर सकता है या कोई डॉक्टर उसका इस्तेमाल इंसानों पे कर सकता है लेकिन इसकी एक चेन बनी हुई है अभी फिलहाल आप अगर गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दिल्ली में बहुत पकड़-धकड़ हो रही है ऑक्सीटोसिन की वो इसीलिए हो रही है क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट में केस चल रहा है हाई हाईकोर्ट इसको डिटेल में सुन रहा है कि आ, कैसे ऑक्सीटोसिन रिडन दूध पूरे दिल्ली को पिलाया जा रहा है और दिल्ली में तो चलिए फिर भी राजधानी है अगर यहां ऐसा हो रहा है तो बाकी प्रदेशों में क्या हाल होगा तो सब जगह इसके बारे में जागरूकता फैलानी जरूरी है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है नहीं क्योंकि कोई चोरी छुपे ऑक्सीटोसिन दे नहीं सकता दूध निकालने के समय पर ही देना पड़ेगा दूध दोहने का समय निश्चित है सुबह और शाम दूध दोहने का स्थान निश्चित है वही डेरी तो अगर उस समय पर हम उसको रंगे हाथों पकड़ लें खाली सौ एम की प्लास्टिक की या कांच की बोतल होगी उस पे कोई ऐसा वैसा सा ही टैग लगा होगा स्टिकर लगा होगा या कभी एस, कुछ भी नहीं लिखा होता यहाँ पर तो हमने पकड़ा दिल्ली में उस पे टाटा लिखा तो, लिख क्योंकि ये अवैध रूप से मैन्युफैक्चर है और अवैध रूप से डिस्ट्रीब्यूट इस पूरे चैनल्स इतने आ, आ, वेल एस्टेब्लिश हैं इतने सालों से कि इनको पकड़ना और इनको प्रोसिक्यूट करने के लिए कोर्ट ने ये तक कहा है कि अब हम क्या सीबीआई लगाएं अगर इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट दिल्ली पुलिस का नहीं पकड़ पा रहा है तब कहीं जाके उन्होंने थोड़ा बहुत वो पकड़ा आ, सप्लाई चेन्स कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स को जेल करी है बट बहुत कुछ और करना बाकी है आ, जब तक सब कहना शुरू नहीं करेंगे कि ये आ, अपने एरिया के दूध वालों को कि ये क्या है ये टीका क्यों लगा रहे हो और तुरंत पुलिस को बुलाकर रंगे हाथों उनको नहीं पकड़वाएंगे कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है पुलिस टेक्निकली मना नहीं कर सकती है एफ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि कोई कॉग्नाइजेबल ऑफेंस आप पुलिस को बताएं तो वो उनके लिए लाजमी है मुकदमा लिखना जैसा कि मैंने कहा हैंडबुक अपने साथ रखेंगे हैंडबुक में स्पेसिफिकली प्रोसीजर्स भी लिखे हुए हैं पुलिस को वो दिखाएंगे और उसके बाद हर ऑक्सीटोसिन के एडमिनिस्ट्रेशन के केस में मुकदमा दर्ज कराएंगे तो हो सकता है कि हम पब्लिक हेल्थ को और पब्लिक हेल्थ से भी ज्यादा जरूरी है उस बेचारी माँ को बचा सकें जिसका बच्चा छिन गया जिसको डेढ़ फुट की चेन से बांधा गया पूरी जिंदगी जो शायद उसी दिन खुलेगी जिस दिन कटने जाएगी जो बनी ही इसलिए है ऐसा ही मानते हैं लोग के आ, हर साल एक बच्चा पैदा करेगी और एक बच्चा पेट में होगा और एक बच्चा मरा हुआ होगा लाइक कॉन्स्टेंटली प्रेग्नेंट इमेजिन करें कि यदि हमारी किसी जानकार महिला को या हमारे साथ ऐसा हो तो क्या हो ये ना हमसे कम है किसी भी लक्षण में बस बोल नहीं सकते हमारी भाषा इनकी भाषा हम ही समझ सकते हैं और अगर कोई हमसे कहे कि हिंसात्मक दूध नहीं है तो हमें उनको बताना चाहिए कि दूध में हिंसा निमित्त है दूध को हिंसा से अलग नहीं किया जा सकता अगर हम दूसरी प्रजाति का दूध छीन रहे हैं तो प्रकृति को जितना दूध हमें देना था वो हमारी माँ के जरिए हमें मिल चुका है हमें किसी और प्रजाति की आ, का दूध नहीं लेना है ये एक अप्राकृतिक और हानिकारक भोग करने की टेंडेंसी है जो इंसानों में बहुत प्रबल है खास तौर पे भारतीय लस्ट जो है दूध के लिए वो एक बहुत ही हानिकारक और अप्राकृतिक है और इसके बगैर हम एक बहुत बेहतरीन जिंदगी जी सकते हैं रिसर्च हैज प्रूवन के मिल्क इज नॉट गुड फॉर अस यहाँ तक कि uh, यह भी आया है यहां इनफैक्ट दिल्ली हाई कोर्ट के ही मैटर में कोर्ट ने बोला फूड सेफ्टी एंड सेंडर्स अथॉरिटी को कि आप चेक करिए कि uh, कितने सैम्पल्स uh, क्वालिफाई करते हैं सेफ मिल्क के लिए तो पाया कि अधिकतर सैंपल्स में एफ्लाटॉक्सिन नाम का एक मोल्ड पाया गया एफ्लाटॉक्सिन जो मोल्ड होता है वो क्या होता है वो तब आ जाता है दूध में जब गाय ने या तो कोई सड़ा हुआ भूसा खाया हो या उसको सड़क पे कूड़ा करकर करकट खाने के लिए छोड़ दिया गया तो अगर वो कूड़ा करकट खाती है तो वो कूड़ा करकट ही दूध के रास्ते निकालेगी अगर उसने भूसा मोल्डी uh, खाया है या भूसे में कोई फंगस आ गई है या किसी प्रकार का कोई कंटेमिनेशन uh, आ गया है तो उसके दूध में एफ्लाटोक्स निकलेगा जो कार्सिनोजेनिक है जिसको उबालने से भी हटाया नहीं जा सकता और उससे ना सिर्फ हमें कैंसर पैदा हो सकता है बल्कि तमाम तरह की बीमारियां शरीर में उससे आती हैं कैंपाइलोबैक्टर इकोलाई से लेकर साल्मोनेला, uh, ब्रूसलोसिस तमाम तरह की बोवाइन ट्यूबोकोलोसिस जो टीबी इंसानों में होता है हड्डियों में हो चाहे फेफड़ों में आ, वो तो किसी तरह उसके लिए प्रोटोकॉल्स हमने बहुत अच्छे सेट कर लिए हैं और उसका इलाज भी हो सकता है लेकिन जो बोवाइन ट्यूबोकोलोसिस आता है हमारे अंदर वो बड़ा रेजिस्टेंट होता है और उससे बाहर निकलना उससे इलाज होना बहुत मुश्किल होता है और अक्सर ये बीमारियां हैं जो हम अपने अंदर ले लेते हैं जब हम अहिंसात्मक मिल्क भी इस्तेमाल कर रहे हो तो दूध से दूर रहना गायों के बच्चे न पैदा कराना ही सबसे अहिंसात्मक तरीका है माम इसमें एक follow question था मेरा हम लोग जब दूध की बात करते हैं तो हम अगर आयुर्वेद की तरफ जाए या पहले पढ़े कुछ कहानियाँ पौराणिक तो उसमें आता है उल्लेख दूध का मक्खन का दही का अलग अलग स्थानों पर और आयुर्वेद में भी इसका उल्लेख आता है तो ये कैसे मतलब अभी हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि ये हिंसा भरा भरी प्रक्रिया है क्या तब लोग नहीं समझ पा रहे थे कि कैसे इस बात को देखा जाए तो जरूरी नहीं है बेटा कि हर पुरानी लिखी हुई किताब बिल्कुल सच और समय के साथ हो सकता है तब सच्चाई कुछ और हो अब सच्चाई कुछ और क्योंकि समय के साथ हर चीज बदलती है जब देश में तादाद एक करोड़ थी तब जो बातें सच थी वो अब हमारे डेढ़ सौ करोड़ के तादाद के लिए सच नहीं है तो ट्रेडिशनल इंडियन एनिमल एग्रीकल्चर जैसे था उसमें हिंसा तो थी फिर भी क्योंकि मांस का सेवन लोग करते थे दूध का सेवन लोग करते थे ये जरूरी नहीं कि जो भी वो तब करते थे वो सब बढ़िया है और वो सब अब हंड्रेड परसेंट ठीक है हमें आज के परिपेक्ष में देखना है कि क्या हम वहीं अटके रहना चाहते हैं जहां पे सैकड़ो साल पहले लोग थे या हम उस चीज को आगे बढ़ा के देखना चाहते हैं हम उसको और इवॉल्व करना चाहते हैं हमें हमारे पूर्वजों ने एक लेवल ऑफ एवोल्यूशन तक पहुंचाया अगले लेवल ऑफ एवोल्यूशन तक तो हम खुद जाएंगे ना कि बस हम उतना ही सीख के वहीं बैठे रहेंगे सैकड़ों साल पहले हमें उससे आगे जाना है हमें उस उस माइंडसेट उस को और आगे पहुंचाना है पहले तो लोग ये भी समझते थे कि धरती के इर्द गिर्द चंद्रमा और सूरज घूमते हैं और हम ही पूरे ब्रह्मांड का केंद्र हैं कुछ कुछ संप्रदायों सम, में ऐसा समझा जाता था लेकिन आगे बढ़े उस पर तो नहीं टिक कर बैठ गए कि नहीं नहीं बस ऐसा ही है तो कुछ विचारधाराएं पहले की हुआ करती थी कि हम ऐसा करें और जरूरी नहीं कि हम आयुर्वेद को पूरी तरह नकार दें कुछ चीजें जो अच्छी है वहां से वो उठाए लेकिन कुछ चीजें हम अपनी बुद्धि से भी तो लगाए तभी तो हम चीजों को बेहतर बना सकेंगे अपनी प्रजाति को और इवॉल्व कर सकेंगे कई चीजें जो आयुर्वेद में उस जमाने की साइंस और उस जमाने की व्यवहारिकता पर निर्भर थी वो आज के जमाने की साइंस और व्यवहारिकता के अनुसार बदली जानी चाहिए और सनातन धर्म का मुझे लगता है कि सबसे बेहतरीन एक एस्पेक्ट है वो ये है कि हम बदलाव में विश्वास रखते हैं हम समय के साथ अपने विचार को मोल्ड करते हैं और कुछ विचार हैं जो पुराने पत्थर की लकीर की तरह हमें नहीं उठाकर चलने हैं हमें उनको आज के परिपेक्ष में देखना है कोई भी इंडस्ट्रियल एनिमल एग्रीकल्चर आज जिस लेवल पर हो रहा है जो हम पूरे विश्व के नंबर वन मिल्क प्रोड्यूसर हैं ये इतने लेवल की हिंसा है इतनी इतनी मोन्यूमेंटल हिंसा है कि इसमें एक गुड़ ढूंढना कि ये गाय को तो एक्स्ट्रा मिल्क है तो इसको ले लेने से कोई दिक्कत नहीं होगी ये हमें अपने आप को बुलावे में रखने से कुछ बेहतर नहीं है ये तो मतलब अपने आप को धोखा देने जैसी बात है और मुझे नहीं लगता कि हम अपने आप को धोखा दें तो हम अपने साथ एक समन्वय रख पाएंगे हमें अपने प्रिंसिपल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए जो प्रत्यक्ष है उसको मानना चाहिए और प्रत्यक्ष को अगर हम उसके विटनेस बन जाएं तो हमारे लिए मानना और भी आसान है जब हम रिसर्चर्स पढ़ें कि हमारे दूध में टेस्टिंग के बाद क्या हो रहा है कुछ नहीं है, मैं सिर्फ कोर्ट ऑर्डर शेयर करती हूँ आपके साथ जिस जो बिल्कुल तीन चार पेज के तीन चार पेज से तो बड़ा है छह सात पेज का है बट बहुत डिफिकल्ट नहीं है यू कैन ऑल रीड इट जिसमें लिखा है कि डेरियों की क्या हालत है भारत की राजधानी में अब आप सोच लीजिए कि बाकी के देश में क्या हो रहा होगा तो एक सिंपल सा कि अगर भारत की राजधानी में जहां पे सब कुछ इतना सुरक्षात्मक दृष्टि से और मानव स्वास्थ्य दृष्टि से सब कुछ इतना टाइट है भारत सरकार बैठी है यहाँ पे केंद्र सरकार सब कुछ देखने के लिए तभी भी अगर इतने मिल्क सैंपल्स में एफ्लाटॉक्सिन मिल रहा है अगर यहाँ पे इतना भर भर के ऑक्सीटोसिन मिल रहा है तो फिर कौन सी जगह बची कुछ भी नहीं बचा फिर सो so, प्रत्यक्ष जो है उससे मुंह मोड़कर शत्रमुर्ख बनना कि कहीं तो कहीं अहिंसात्मक दूध हो रहा होगा इट्स नॉट इवन पॉसिबल